हाय मैं हूँ रुद्रा, मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में। अरे ये क्या बॉल मेरे तरफ क्यों आ रही है? ये लो वरुण तुम्हारा बॉल। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा सुनो, मैं बहुत जरूरी काम से विश्रामपुर जा रहा हूँ। रुद्रा, तब तक तुम सबका ख्याल रखना। शाकाल की नजर 24 घंटे हम सब पर रहती है। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पैलेस को शाकाल सेंसर से कवर कर दिया है। शाकाल सेंसर? वो क्या है दादाजी? अगर शाकाल ने पैलेस के आसपास भी कदम रखा तो तुरंत उसके ऊपर फायरिंग शुरू हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। जय सिंह ने बड़ा दांव है खेला। वाह दादाजी, आपने तो शाकाल की एंट्री पर परफेक्ट नो एंट्री का इंतजाम कर दिया है। दादाजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मेरे टैबलेट में जायंट बनने का मैजिक है। मैं जायंट बन के शाकाल को भगा दूंगा। लो बच्चों, नाश्ता करो। नहीं रंगीला, आपके मैजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। यस, मिल गया। अपने आप को जायंट कैसे बनाना है उसका मंत्र मिल गया। ये मैजिकल टैबलेट बड़ा ही कमाल का है। लिखा है जायंट बनने के लिए ये मंत्र पढ़ के रेज अपने ऊपर डालो। अब रेज अपने ऊपर कैसे डालू? यस, इस ट्रे में रेज फेंकूंगा तो रिबाउंड होके मुझ पर गिरेंगी। अकड़ पकड़ बम्बे बो उलीटो जायंट क्रिएटो। अकड़ पकड़ बम्बे बो उलीटो जायंट क्रिएटो। कर भला तो हो भला, अब मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। इस टैबलेट के मंत्र भी किसी काम के नहीं। ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी घास हमारे गार्डन में कैसे आ गई? हम तो घिर चुके हैं। लगता है रंगीला ने कोई टेढ़ा मेढ़ा मैजिक किया होगा। उसी का असर है ये सब। ओह नो, घास बड़ी नहीं हुई, उल्टा हम लोग छोटे हो गए हैं। लगता है रंगीला ने जायंट बनाने की कोशिश की होगी और उसका मैजिक उल्टा होकर हम पर पड़ गया है। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। ये तो चमत्कार हो गया। शाकाल तो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा। शाकाल, 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 उस रंगीला का जादू उल्टा पड़ गया है और रुद्रा, मायरा, वरुण चींटी जैसे बन गए हैं। क्या बात कर रहे हो सपोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शाकाल अब देखना, मैं उन तीनों को एक झटके में खा लूंगा और डकार भी नहीं मारूंगा। सपोला, उन तीनों को अपने मुंह में पकड़कर मेरे सामने लाओ, मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। जाओ जल्दी जाओ। ओके शाकाल।
रहा हूँ। पहले तुम सब शांत तो रहो। इबाइस्का नॉर्मल साइज क्रिएटो। इबाइस्का रंगीला का मैजिक सीधा हो। इबाइस्का कर दे हमको पहले जैसा। रुद्रा, मुझे यहाँ आसपास से मेंढक की स्मेल आ रही है। ये हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? क्योंकि तुम सब में उसको अपना आज का लंच दिख रहा है। क्या लंच दिख रहा है? भागो! मारो, पकड़े रहना, छोड़ो मत। अब मैं नहीं रुक सकती। अंतर मंतर जादू कलंतर टन का टीला छू। मायरा थैंक यू। वरुण, बाहर आने की कोशिश करो। वरुण, घबराना नहीं, दादाजी की बात याद करो। हिम्मत हो तो हर मुश्किल से हम निकल सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, बस हिम्मत रखना। नहीं, अब मैं क्या करूं? यक, मुझे कितना गंदा कर दिया। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। लो, आगे कुआ पीछे खाई, हर तरफ से मुसीबत की घड़ी है आई। सपोला अंकल, हमें उनसे बचाइए। सपोला अंकल आ गए। अब हमें पकड़ के दिखाओ। हे नादान मेढक, खबरदार जो इनको हाथ भी लगाया तो। अच्छा, तो तुम मुझसे मेरा शिकार छीनोगे? अरे कोई इस मेढक को बताओ, सांप मेढक को खाते हैं, मेढक सांप को नहीं। अरे वरुण संभल कर। मैं नहीं उड़ सकता, मेरे फ्लाइंग शूज गीले होने की वजह से खराब हो गए हैं। रुद्रा, मायरा, जरा देख कर चलो। सॉरी। सपोला बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था कि रुद्र और उसके दोस्तों को खा जाऊंगा और न जाने क्या के, पर खुद को एक मेंढक के चंगुल से नहीं छुड़ा पा रहा है। साकाल, उससे अच्छा तो आप मुझे ही भेज देते। वो तुम रुद्रा को खाने गए थे और खुद ही उन बच्चों को बचाने लगे। मैं क्या करता शाकाल, किसी ने पहली बार मुझे अंकल कहा तो मैं इमोशनल हो गया था। अपने इमोशन पर काबू रखो और रुद्रा और उसके दोस्तों को खाने के बारे में सोचो। अगली बार कोई तुम्हें अंकल, चाचा, मामा, ताऊ कुछ भी कहे, भावनाओं की नदी में बह मत जाना। समझ गए? समझ गया शाकार। वाह मायरा, तुम्हारी अंकल वाली चाल तो काम कर गई। सपोला खुद हमारी रक्षा करने लगा। कोई पहले मुझे तो साफ कराओ, मैं पता भी नहीं सकता कितना गंदा लग रहा है। रुको, हम कुछ करते हैं। थैंक यू जिमजुम, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया। जल्दी चलो, हमें कैसे भी पैलेस में पहुंचना है, हम वही सेफ रहेंगे।
रुद्र! मारा वरुण, छोड़ो ने। मायरा तुम तो उड़ सकती हो, फिर मेरी डबल मेहनत क्यों करवा रही हो? उप्स, सॉरी। अरे वाह, आज तो पार्टी करनी है। वो देखो कितनी सारी फ्लाइंग एंट्स। मजा आ गया, हम बच गए। मायरा अब हम उड़ नहीं सकते, वापस नीचे चलो। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। मुझे फंसा कर खुद भाग गए, हैं? अब मुझसे कैसे बचोगे? बोलो बोलो। सपोला भैया, ऊपर एक बड़ी सी बर्ड हमें खाने के लिए तैयार बैठी है, हमें बचा लो ना सपोला भैया। भैया? सपोला भैया, तुमने मुझे भैया कहा बहना? तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उसको खदेड़ता हूँ। वेल डन मायरा, तुम्हारा इमोशनल कार्ड फिर से चल पड़ा। चले जाओ यहाँ से। मार दिया रे, अरे लग रही है, बचाओ, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो सपोला? तुमको बोला था ना कि अब की बार कोई भी चाचा मामा ताऊ बोले तो मत सुनना। तुम फिर उसकी बातों में आ गए। अब पर शाकाल, आपने तो चाचा मामा ताऊ के लिए मना किया था, उसने तो मुझे भैया बोला था। मैं क्या करता, सुन के अच्छा लगा और इमोशनल हो गया मैं, सॉरी। मैं जादू, मैं माया जाल, अरे डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। घास में घूमते घूमते लगता है तुम्हारी अक्ल भी घास चरने चली गई है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही वहाँ आना पड़ेगा। शाकाल, अगर आप वहाँ गए तो आपका चेहरा दिखते ही फायरिंग शुरू हो जाएगी। मेरा चेहरा दिखेगा तब तो फायरिंग होगी। हमें कैसे भी करके पैलेस के अंदर पहुंचना होगा। मारा जल्दी उड़ो, पैलेस का गेट बंद होने वाला है। बड़ी जोर की लग गई। शाकाल, अब अंदर कैसे जाएंगे? एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, हम ऊपर से अंदर जाएंगे। बचाओ! रुद्र! पीपल शूट!
हमें उस तरफ जाना है। एवरीवन जंप। ये फायरिंग कैसे शुरू हो गई? मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। रंगीला, रंगीला सुनिए, इधर इधर देखिए, मैं रुद्रा, इधर देखिए। अरे मुझे रुद्रा की जैसी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इधर देखिए। रुद्रा तुम इतने छोटे कैसे हो गए? आपके ही मैजिक की देन है, मेरे साथ मायरा और वरुण भी छोटे हो गए हैं। अब जल्दी से सही मंत्र बताइए और हमें ठीक करिए। हमारा कोई मैजिक काम नहीं कर रहा और शाकाल भी बैट बनकर पैलेस में घूम रहा है। लगता है आपने पुलीटो जायंट क्रिएटो की जगह उलीटो जायंट क्रिएटो बोल दिया होगा, इसीलिए हम सब पर मंत्र का उल्टा असर हो गया। रुद्रा मंत्र मिल गया। अबाइस्का जबाइस्का पुलीटो नॉर्मल क्रिएटो। रंगीला जरा शाकाल को छोटा होने का मजा भी तो फील कराइए। अभी लो रुद्रा, अबेस्का जबेस्का उलीटो जायंट क्रिएटो। शाकाल, शाकाल कहाँ गया? अरे भाग सपोला भाग। शाकाल रुद्रा मैं वापस लौटूंगा, फिलहाल तू भागने से बोला। रेडी वरुण? हाँ रेडी। ये रुद्रा बहुत बढ़िया। और ऊंचा उड़ाओ, और ऊंचा। आ जाओ बच्चों, नाश्ता तैयार है।
कर भला तो हो भला, पतंग है पर डोर नहीं, इस पतंग का कोई छोर नहीं। रंगीला हैरान मत होइए, पतंग है पर इसकी सच में कोई डोर नहीं है। मैं बिना डोर की मैजिकल पतंग उड़ा रहा हूँ, पर इसमें मजा और मेहनत नॉर्मल पतंग के उड़ाने जैसा ही है। क्या बात कर रहे हो रुद्रा, बिना डोर की पतंग, ये तो मैं भी ट्राई करके देखूंगा। अरे कहाँ गया कहाँ गया, बिना डोर के पतंग उड़ाना, बिना डोर के मिल गया। चिंगली, रुद्रा की तरह तुम भी बिना डोर की पतंग उड़ाओ। मैं मंत्र पढ़ के पतंग को छोड़ता हूँ, अब देखना मेरी बिन डोर की पतंग कैसे उड़ती है। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बिन डोर की पतंग अब उड़ जाओ। अरे कर भला तो हो भला, पतंग की जगह मैं कैसे उड़ गया। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मुझे नीचे उतारो। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तुमने कहा डोर पकड़ लो तो मैंने पकड़ ली, नीचे उतारना मुझे नहीं आता। उड़ने का मंत्र तुमने बोला तो उतरने का मंत्र भी तुम ही बोलो। अरे कैसे बोलूं, मेरा टैबलेट तो नीचे ही रह गया। रुद्रा तुम्हारे लेसंस का टाइम हो गया। अरे ये क्या, बच्चों ये चल क्या रहा है। दादाजी हम तो बिना डोर के मैजिकल पतंग उड़ा रहे थे, रंगीला का नहीं पता। रंगीला तुम मैजिक की इम्पोर्टेंस को कब समझोगे, हर बार गड़बड़ करते हो। अभी सब ध्यान से सुनो, मैं आज एक नया मैजिक सिखाने वाला हूँ। मैजिक ये है कि छोटी सी जगह में कैसे छुपा जाए, अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम अपने साइज को बिल्कुल छोटा करके किसी जगह में कैसे छुप सकते हो। वाओ दादाजी, ये तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, जल्दी बताइए ना। बताता हूँ। अब मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनना और फोकस करना। इबाइस्का जिबाइस्का श्रिंकू। तुम कौन, यहाँ क्या कर रहे हो। दो दादाजी। दादाजी आप वहाँ है तो ये कौन है। रुद्रा मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, वो कोई बहरूपिया लगता है। रुद्रा तुम सब साइड हो जाओ, मैं अभी इसका असली चेहरा सामने लाता हूँ। हाँ बच्चों साइड हो जाओ, ये क्या मेरा असली चेहरा सामने लाएगा। मैं इसका मास्क अभी उतारता हूँ। ये क्या हो रहा है। ये कौन है। तुम तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, ऐसा लगता है मैंने तुमको पहले भी देखा है, पर कहाँ देखा है। अरे कर भला तो हो भला, चिमनी में घुस गया। चूहा पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी उसको पकड़ कर लाता हूँ। अरे अरे काट लिया, मेरे हाथ में बहुत बुरी तरह काटा है। मैं उस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट रंगीला, रुकिए जरा। अपने किचन की चिमनी तो मैजिक से जलती है दादाजी, उसमें धुएं का तो सवाल ही नहीं है, तो फिर रंगीला काले कैसे हुए। हाँ।
बहुत तेज हो लड़के, बहुत तेज हो। तुम जो भी हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। अब खुद अपने बारे में बताओगे या कुछ और पनिशमेंट की जरूरत है? आप मुझे भूल गए गुरुजी, लेकिन कमिलियन को सब याद रहता है। मुझे कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकलवाया था ना आपने, मैं वही मजिशियन हूँ। कमिलियन? हाँ याद आया, तुम वही हो ना जो हर क्लास में सबको परेशान किया करते थे। तुम कॉलेज आते ही थे उधम करने, आज तक कहाँ थे? अभी भी वैसे ही हो कि कुछ अकल आई तुम में? हाँ आई ना गुरुजी, इतनी अकल आई कि आज मैं एक परफेक्ट मजिशियन बन चुका हूँ। आज मैं जिसका चाहे उसका रूप ले सकता हूँ। कमेलियन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। गुरुजी मैं वापस आऊंगा, इस बार तो मैं सिर्फ आपसे बदला लेने आया था। लेकिन अगली बार ये लड़का रुद्रा भी मेरा निशाना होगा। बच्चों तुम यहीं रुको। लेकिन दादाजी। रुक जाओ कमिलियन। कहाँ गया वो कमिलियन? हिम्मत है तो सामने आओ। गुरुजी आपकी उम्र कट जाएगी इन बादलों के घेरे से बाहर निकलने में। सब ध्यान से सुनो, उस कमिलियन ने दादाजी को कहीं तो कैद कर दिया है। वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगा और वो किसी भी रूप में यहाँ आ सकता है, इसलिए हम सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। मैंने एक तरीका सोचा है उस कमिलियन की चाल से बचने का। हम आपस में एक पासवर्ड सेट करते हैं, अगर हम में से किसी को भी एक दूसरे पर शक हो तो वही पासवर्ड बोलकर चेक करना होगा। पासवर्ड वही है जो दादाजी मुझे बचपन में लोरी सुनाया करते थे। मैंने अगर कहा लल्ला लल्ला लोरी तो बाकी सबको कहना है दूध की कटोरी। ओके ओफो, आ जाओ सब नाश्ता कर लो। उस कमिलियन की वजह से किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। हाँ बहुत भूख लगी है। मैंने कल तुम लोगों को एक बात तो बताई ही नहीं। मैंने कल अपना एक प्यारा सा स्टैचू बनाया है और उसको बॉटल में रखा है। दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना, तुमने बताया नहीं कब बनाया। वाओ वरुण, तुमने तो सच में बहुत सुंदर स्टैचू बनाया है, बिल्कुल रियल लगता है। तो फिर बोलो तो तुम्हारा भी बना दूं। रुद्रा तुम्हारा भी बनाता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ बना देना, पर पहले हमने जो डिसाइड किया था वो करते हैं। तुमने पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। सॉरी वरुण, पर मुझे तुम पर शक हो रहा है, इसलिए तुम्हें अपना पासवर्ड बताना होगा। क्या यार रुद्रा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने पासवर्ड बताया था, अभी बताता हूँ। लल्ला लल्ला लोरी, अब तुम बोलो दूध की कटोरी। वेरी गुड वरुण, Oh!
तुमने मुझे पहचाना कैसे? कमिलियन, तुमने बड़ी ही चालाकी से हमारी बातें सुन ली और मैंने उसे भी ज्यादा चालाकी से तुम्हारे दिमाग में वो बात डाल दी। असल में मेरे दादाजी मुझे लल्ला लल्ला लोरी तो सुनाते ही नहीं थे। दादाजी सुनाते थे सोजा सोजा लिटिल रुद्रा सोजा। तुम्हारा बैड लक की मेरे दोस्तों को ये पता है, इसलिए तो जब मैंने उन्हें लल्ला लल्ला लोरी सुनाया तो वो चौंक गए थे। हैं क्या? इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। रुद्रा तुम बहुत चालाक हो, पर अब तुम्हारी कोई चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। थैंक यू रुद्रा। क्या हुआ रुद्रा? मेरे मामूली वार से तुम चारों खाने चित हो गए। रुद्रा तुम चिंता मत करो, मैं इस कमीलियन को अभी सबक सिखाता हूँ। इसको पतंग की तरह हवा में उड़ा दूंगा। अबेस्का जबेस्का काइट क्रिएटर। अरे मैजिक चला कि नहीं? चला था मुझे उड़ाने, खुद ही उड़ गया। क्यों चतुर कमिलियन, निकल गई सारी चतुराई? आओ साथ में उड़े। छोड़ो मुझे। अच्छा कमेलियन को चुनौती ले, बन जा मूर्ति। रुद्रा हम तो बच के निकल आए। हमें रुद्रा को कोई सेफ जगह लेके जाना होगा वरुण। मुझे दादाजी की बहुत चिंता हो रही है, उन्होंने अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। मैं उनसे टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश करता हूँ। दादाजी आप कहाँ हैं? ठीक तो है? रुद्रा मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। कमिलियन ने मुझे बादलों के घेरे में कहीं कैद कर दिया है, पर मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम अपना और सबका ख्याल रखना। दादाजी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कमिलियन अलग अलग डिसगाइड लेकर हमें ट्रिक कर रहा है। हम बड़ी मुश्किल से उससे बचकर जंगल तक आए हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके डिसगाइज़ को कैसे पहचानूं। रुद्रा तुम उसके किसी भी डिसगाइज़ को पहचान सकते हो। इसके लिए तुम्हें रेनबो रिवर में गोल्डन क्लैम को ढूंढ कर उसके अंदर के पानी को अपने चश्मे पर डालना होगा। उसके बाद उस चश्मे को पहन के तुम उसके किसी भी डिसगाइज़ को आसानी से पहचान पाओगे। ओके दादाजी, दादाजी मैं अभी रेनबो रिवर जाता हूँ, आप जल्दी लौट आइए। रुद्रा मुझे लगता है इस रिवर में कुछ तो खतरा है। हाँ रुद्रा इस रिवर में बहुत खतरा है, मुझे तो वुल्फ टाइगर सबकी स्मेल आ रही है। तुम दोनों अपनी नाक का इलाज कराओ, पानी के अंदर वुल्फ टाइगर कभी देखे हैं क्या? वरुण हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मैजिकल रेनबो रिवर है। बाहर से जितनी सुंदर दिखती है अंदर से उतनी
रुद्रा, हम भी तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे। ठीक है, खुद पर विश्वास है, जिमजुम का साथ है, तो डरने की क्या बात है। कहाँ मिलेगा क्लैम? जिमजुम तुम भी नजर रखो। यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है। हो सकते हैं? ये मैजिकल वॉल्व्स हैं, क्लैम के प्रोटेक्शन के लिए। रुद्रा, अब टाइम है उस कमिलियन को सबक सिखाने का। रुद्रा, तुम आ गए? तुम सब ठीक हो ना? दादाजी आप कब आए? उस कमिलियन ने आपको छोड़ दिया? दादाजी मेरा ये चश्मा कैसा लग रहा है? बाइस का रियलिस्टिको। तुमने फिर से मुझे पहचान लिया? तुम हर बार मुझे कैसे पहचान लेते हो? कमिलियन, मैंने कहा था ना, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। रुद्रा, ये तो पलक झपकते ही गायब हो गया। तुमने फिर से मुझे पहचान लिया। चमक चमक कर कमेलियन करता एक से एक कमाल। मैजिक ऐसा कर दूं, हो जाए धमाल ही धमाल। वरुण, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमें रुद्रा की मदद करनी होगी। अंतर मंतर काली कलंदर चू। वरुण कहाँ गया? वरुण, वरुण,
कितना बड़ा कैंडी बॉस। तुम सब मिल के खाना। कमिलियन कहाँ है? वो रहा दादाजी नीचे। तो क्या हाल चाल है कमिलियन? गुरुजी क्यों चले पर नमक छिड़क रहे हो? देख नहीं रहे हो रुद्रा ने मेरा बुरा हाल कर दिया। मैं जा रहा हूँ पर लौट के जरूर आऊंगा। अरे कोई हमें तो ठीक करो। शाबाश रुद्रा। रंगीला आज क्या स्पेशल खिला रहे हैं? स्पेशल रंगीला सैंडविच बच्चों। रुद्रा आओ तुम भी नाश्ता कर लो, तब तक मैं खेलता हूँ। जल्दी आओ रुद्रा। एक मिनट अभी आया। रंगीला संभल कर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू रुद्रा। मुझे नहीं लगता रंगीला खेल पाएगा। देखते हैं। अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं अपना गेम। ये लो। रंगीला संभल कर। कर भला तो हो भला, मुझे नहीं खेलना। मुझे किचन का कुछ सामान खरीदने मार्केट जाना है। अरे क्या हो रहा है? कौन है ये? आखिर बात क्या है? ये क्या चाहता है? अगर खुद को बचाना है तो स्नेक सिटी के उस गेट में घुस जाओ। जाओ जल्दी जाओ क्योंकि ये आखिरी ऑफर है। मैं नहीं भागूंगा अभी नहीं। आज कोई मार्केट नहीं आया है क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ? कर भला तो हो भला। रुद्रा जल्दी यहाँ आओ, एक स्नेक चामर ने यहाँ तहलका मचाया हुआ है। कम फास्ट रुद्रा। ए, रुक जाओ। स्नेक जी
लीव मी प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, छोड़ दीजिए ना प्लीज। रुद्र आ गया। स्नेक जी एक मिनट प्लीज। रुद्रा पूरे शहर में स्नेक घूम रहे हैं। ये कैसा आदमी है, मजे से कहानी सुना रहा है। एक फ्रूट वाले ने उन सबको एक गेट के अंदर भेज दिया है। मैं उसका वेट क्यों कर रहा हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। थैंक यू स्नेक जी, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। रुद्रा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बचाना। अजीब है ये आदमी, जब छूट गया था तो वापस क्यों आया। चलो अंदर जाओ। कौन हो तुम और सबको कहाँ ले जा रहे हो। नाम है मेरा स्नेक चार्मर, बांस की फ्लूट बजाऊं, स्नेक मेरे हैं दीवाने, अपनी ताल पे नाच नचाओ, बोलो ता थैया ता थैया ता। स्नेक चामर तुम ये बताओ कि ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने बड़े प्यार से एक स्नेक सिटी बनाई है, जहाँ देखो स्नेक ही स्नेक। बेडरूम में साइड टेबल की जगह स्नेक, बाथरूम में शावर की जगह स्नेक। सोचो जरा कितना एक्साइटिंग होगा जिंदा स्नेक्स के साथ 24 घंटे रहना। पर पता नहीं क्यों वहाँ कोई आना ही नहीं चाहता, इसीलिए मैंने सोचा अब मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। तो तुम क्या करोगे। खुद लेकर जाऊंगा। चलो तुम लोग भी चलो मेरी स्नेक सिटी में, बोलो ता थैया ता थैया ता। आप अभी यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं गया तो तुम क्या कर लोगे, बोलो बोलो। छोटे हो इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। बाईस का फायर बॉल सकू। अरे ये क्या। रुद्रा स्नेक चामर के तो 4 हाथ हैं। इसको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। अंतर मंतर काली कलंतर स्नेक का हो जाए चूमंतर। मायरा नहीं, कोई से रोको। स्नेक, स्नेक, मायरा ये क्या कर डाला। सॉरी। रुद्रा स्नेक। रुद्रा मुसीबत में। तुम गए। अरे भाग गए सब। अरे यहाँ अंदर मेरी जान अटकी है और आपको तातहिया की पड़ी है। मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको लाजवाब चाय नाश्ता करवाऊंगा। ये आइडिया अच्छा है। रुद्रा उस स्नेक चार्मर के स्नेक तो बहुत खतरनाक है,
हमें उनका सामना करने के लिए कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो मायरा। एक बात तो पक्की है, उसकी ताकत उसकी फ्लूट में है। हमें उसकी फ्लूट उससे छुड़ानी होगी। वो तो यहाँ भी आ गया। रंगीला साथ में है। ये पैलेस तो बहुत सुंदर है। जाओ रंगीला, मेरे लिए बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता लाओ। बोलो ता थैया ता थैया ता। किसकी हिम्मत जो मेरे किंग के अलावा मुझसे खाना बनवाए। मेरे बर्तन मुझ पर ही हमला करने लगे। बचाओ, चम्मच और कटोरी जैसा है, कोई बचाओ। नाश्ता तो दिखने में ही लाजवाब लग रहा है, जल्दी सर्व करो। ताथैया ताथैया ता। नाम है मेरा स्नेक चार्मर, बांस की फ्लूट बजाऊं। स्नेक मेरे हैं दीवाने, अपनी ताल पे नाच नचाऊं। बोलो ता थैया ता थैया ता। रुद्रा बचो, तुम्हारे पीछे स्नेक है। हाँ? वाइस का सी वाइस का टैंक क्रिएटो छू। रुद्र, तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। एक बार उन स्नेक्स को कंट्रोल करने का आइडिया मिल जाए तो स्नेक चामर का खेल खत्म करने में देर नहीं लगेगी। पर कैसे, क्या करें? वरुण, स्नेक चामर के स्नेक्स को कंट्रोल करने का आइडिया मिल गया। हमें अभी लाइब्रेरी जाना होगा। रुद्र, मुझे पता चला है कि सन सिटी पर स्नेक्स का हमला हुआ है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रुद्रा। हाँ, उस शेल्फ में स्नेक से जुड़ी हर तरह की बुक्स हैं। हेलो मिस्टर अलाजार, मैं ये सारी बुक्स पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। बोलो ता थैया ता थैया ता। अरे, बुक्स ले गए, रजिस्टर पर साइन भी तो करो। मुझे बहुत अफसोस है रुद्रा, स्नेक चामा को शायद शक हो गया था कि तुम यहाँ आओगे।
अलाजार सर, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं स्नेक की नहीं ईगल की बुक्स देखने आया हूँ। मुझे शक था कि वो भी हमें अपने मैजिक से देख रहा होगा, इसलिए मैंने आते ही ईगल की बुक नहीं कहा। वाह रुद्रा, वेरी गुड। अलाजार सर, असल में मुझे ईगल से जुड़ी बुक्स चाहिए, और साथ में आप हमें लाइब्रेरी में कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ कोई हमें देख ना सके। ये सारी बुक्स ईगल से रिलेटेड है। तुम तीनों उस पोर्ट्रेट के अंदर चले जाओ, वो मैजिकल पोर्ट्रेट है। स्नेक चार्मर को पता भी नहीं चलेगा कि तुम तीनों वहां बैठे हो। रुद्रा, मुझे मालूम है तुम यहीं कहीं हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब तुम्हें स्नेक से जुड़ी कोई बुक नहीं मिलेगी। भागो! भागो! उधर, उधर स्नेक है! भागो! 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 उधर स्नेक है! स्नेक उधर भी है! चलो आओ, जान बचानी है तो जाओ, सब अंदर जाओ और मेरी स्नेक सिटी की शोभा बढ़ाओ, और बोलो थाई आता स्नेक चामर। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बंद कर दो ये सब और लौट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। रुद्रा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम छोटे हो, मुझसे टक्कर लेने की सोचना भी मत। बोलो ताथैया ताथैया ता। नेक चामा, मैंने भी आपको पहले ही बताया था, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। Ha ha ha!
तुम्हारे ये फाल्कन मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। नेक चामर, अब तुम्हारी कोई धुन काम नहीं आएगी। बाइस का से बाइस का विंड क्रिएटो। नहीं, मेरी फ्लूट। अब बताओ स्नेक चामर, बिना फ्लूट के कौन सी धुन बजाओगे या घर वापस जाओगे? अब बोलो ताथैया ताथैया ता। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरी सारी पावर्स तो तुमने छीन ली। अब तो घर ही वापस जाऊंगा। तुमने सच ही कहा था, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। बोलता हूँ ताथैया ताथैया ता। नहीं रुद्रा, हम इसे नहीं छोड़ सकते। मारो इसे, मारो, छोड़ो, मारो, सबको मारो, हम इसे नहीं छोड़ने वाले। आप सब शांत हो जाइए प्लीज। मुझे यकीन है कि अब ये यहाँ दोबारा नहीं आएगा। हाय, मैं हूँ रुद्रा। मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में।